राजधानी जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में आज से ग्रामीण ओलंपिक का आखिरी चरण शुरू होने जा रहा है। ग्रामीण ओलंपिक की राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का शुभारंभ सीएम अशोक गहलोत शाम 5 बजे करेंगे, लेकिन इससे पहले ग्रामीण ओलंपिक आयोजन को लेकर कल बड़ी लापरवाही सामने आई। दरअसल स्टेट लेवल गेम में भाग लेने के लिए कल शाम से टीमों का जयपुर आना शुरू हुआ, जिसके लिए प्रशासन की ओर से ठहरने की व्यवस्था की गई, लेकिन नागौर से आई महिला खिलाड़ियों की टीम शनिवार देर रात तक जयपुर सड़क पर परेशान होती नजर आई। इन महिला खिलाड़ियों ने ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं होने से परेशानी उठानी पड़ी। महिला खिलाड़ियों ने आरोप लगाया कि ये एक बड़ी लापरवाही है, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के चौथे चरण की राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का आज शाम 5 बजे उद्घाटन करेंगे। आज से 19 अक्टूबर तक जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में ये राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं होंगी, जिनमें करीब 4000 खिलाड़ी भाग लेंगे। इसमें 1780 से अधिक महिला खिलाड़ी शामिल हैं। चौथे चरण की राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के विजेता और उपविजेता टीमों की एडवेंचर स्पोर्ट्स द्वारा 7,20,000 रुपये की राशि पुरस्कार के रूप में देकर सम्मानित किया जाएगा। 6 खेलों में होने वाली राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में 33 जिलों के 3,696 खिलाड़ी, 330 दल प्रशिक्षक व 66 दल प्रभारी भाग लेंगे। उद्घाटन समारोह में प्रतिभागी खिलाड़ियों के अलावा विभिन्न जिलों के 10,000 से अधिक खिलाड़ी शिरकत करेंगे।